आज हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों का नहीं होगा गठन, पिछले आरक्षण पर होंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले नई पंचायतों के गठन का मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पिछली बार की तरह वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा। नवंबर के दूसरे हफ्ते तक पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया है, जबकि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव होने हैं। कोरोना के चलते प्रक्रिया अटक गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी ने कहा कि लॉकडाउन के चलते नई पंचायतें बनाने का मामला ठंडा पड़ गया है। सरकार के पास इस बार करीब 450 नई पंचायतें बनाने का प्रस्ताव पहुंचा है। अब सरकार ने नई पंचायतें बनाने का मामला ठंडा डाल दिया है। वर्तमान में प्रदेश में 3226 पंचायतें हैं। पिछली बार नए नगर नियम बनने से पंचायतें घटी थी। पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर आधार पर होगा। अगर पंचायत में किसी वर्ग की संख्या 5% से कम है तो उन पंचायतों में आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी पंचायत में आरक्षित वर्ग की 6 सीटें हैं तो वह 50% महिला और 50% पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित रहेंगी।